अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आमिर तकवी। नाज़रीन, मैं सब मौजूद हूँ जगवाला चक नंबर 4 में। सफ़र का महीना शुरू होते ही चिलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में 45 जुलूस आज़ादारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं सब मौजूद हूँ जगवाला चक नंबर 4 में। यहाँ पर भी चिलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में शबीह इलम बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस अपनी मंजिल पर जाकर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में आज़ादारानों की बहुत बड़ी तादाद थी, जो खानवादे रसाले से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं और वालिहाने मोहब्बत का इजहार करते हुए मातमदारी नौखानी और सिरों को भी कर रहे हैं। आज़ादारों की बात करें तो आज़ादारों के लिए सहूलत के लिए पानी की सबीले और लंगर का भी खास इस्तेमाल किया गया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ आज़ादार मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। उनके साथ साथ जो आज़ादारी के जो बानी है उनसे ही बात करेंगे, वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। कि कुछ देर फर्ज कीजिए, ये मजालिस ना हो, हर शख्स मौला का कातिल दिखाई दे। हम आज़ादारी इमाम हुसैन के सिलसिले में यहाँ पे आज़ादारी करने के लिए आए हैं और ये आज़ादारी हमारी नस्लों तक इंशाल्लाह हमारी नस्लों से आगे भी नस्लों तक ताकि अमर जारी रहेंगी। और मतलब आज के दिन का पैगाम है कि इंसान के शऊर को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पकारेगी हमारे हैं या हुसैन के हवाले से। प्रोग्राम हमारा जो है प्रोग्राम 36 साल से हो रहा है और अमन से पूरा अमन इबादत गुजार रहे हैं और सुकून से ये इबादत चल रही है हमारे। ये चिलम जनाब साढ़े प्यो दादे तो चल रहा है, कदीमी चिलम चल रहा है और इंशाल्लाह साढ़िया नस्लों तक ये चिलम मौला हुसैन दा जारी रहेगा। जी, जैसा कि आपने आज़ादारों की और जो मुंतजमीन उनकी बात सुनी, आज़ादारों का कहना है कि ये खानवाद रसाले से हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मापानियान की जानब से ये कहा गया है कि ये आज़ादारी हमारी अबाओ अजदाद से चली आ रही है और हमारी आगे जो आने वाली नस्लें भी इसको जारी रखेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकवी को इजाज़त दे, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अब तक अल्लाह।